हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अन्नपूर्णा एंड वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं फ्रेश कोकोनट चटनी या होटल स्टाइल कोकोनट चटनी, जिसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो इसके लिए मैंने लिया है आधा फ्रेश कोकोनट और यह है 1/4 कप भुना हुआ चना दाल, इसे फुटाने भी कहते हैं, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, हरी मिर्च अकॉर्डिंग टू टेस्ट। ये है चटनी के लिए। उसके अलावा तेल, सरसों, जीरा, सूखी लाल मिर्च, करिया पत्ती, ये हैं तड़का लगाने के लिए। सबसे पहले हम लोग नारियल के छोटे टुकड़े कर लेते हैं। अभी मैंने नारियल के छोटे टुकड़े कर लिए हैं, अभी मैं इनको डाल रही हूँ मिक्सी के जार में। ये चटनी बहुत ज़्यादा आसान है और मैं आपको बेसिक जो कोकोनट चटनी होती है वो बता रही हूँ। उसके बाद मैंने डाला है फुटाने, ये अराउंड 1/4 कप है, और हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना, अदरक 1 इंच का टुकड़ा है और नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट है। अब हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं। पहले मैंने थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया है, अब इसमें पानी डाल के इसको एकदम स्मूथ चटनी बना लेंगे। अगर आपको भुना हुआ चना दाल नहीं मिलता है तो आप मूंगफली भूनकर भी यूज़ कर सकते हैं। चना दाल इसलिए डाल रहे भुना हुआ ताकि चटनी में एक थिकनेस आ जाए। अब चटनी बहुत अच्छे से बनके रेडी है। ये बेसिक कोकोनट चटनी है, आप चाहो तो इसका टेस्ट और इन्हांस करने के लिए इसमें पुदीना या फिर हरा धनिया का भी यूज़ कर सकते हैं ग्राइंड करते समय। अब मैं इसे निकाल रही हूँ सर्विंग बाउल में। उसके बाद मैं इसमें लगाऊंगी तड़का। तड़का लगाने के लिए मैंने पैन रखा है, उसमें ऑयल डाला है और वन बाय वन मैं सारी चीज़ें डालूंगी। ये चटनी में अगर आपको थोड़ा सा खट्टापन चाहिए तो आप थोड़ी सी इमली भी यूज़ कर सकते हो। अब तड़का बनके रेडी है, मैं इसको डाल रही हूँ चटनी के ऊपर। ये चटनी इडली, डोसा, वड़ा, इनफैक्ट रोटी किसी के भी साथ सर्व करो, सभी के साथ बहुत अच्छा लगता है। अब आप भी इसे ज़रूर बनाइए। अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।